हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट को हम किन किन वेज में क्लासिफाई करते हैं। सो गाइज, ये टॉपिक है बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 7 असेसमेंट फॉर लर्निंग का, जिसके बारे में मैं पहले भी दो टॉपिक्स की वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और आगे भी मैं इस सब्जेक्ट या फिर अदर सेकंड सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। सो उसके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो जो क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट है उसको बेसिकली यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसके आगे फर्दर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट जो मेन 7 पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनके बारे में पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन पर्पस, सेकेंड वन है बेस्ड ऑन स्कोप, थर्ड वन इज नेचर ऑफ एट्रीब्यूट मेजर्ड, नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज द मोड ऑफ रिस्पॉन्स, एंड सिक्स्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड द लास्ट वन इज असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट। इन सभी 7 पॉइंट्स के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है आपका बेस्ड ऑन पर्पस, कि पर्पस के बेसिस पर असेसमेंट को हमने कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो वो है इसके 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, सेकेंड पॉइंट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट, थर्ड वन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड फोर्थ पॉइंट इज समेटिव असेसमेंट। तो इन सभी के बारे में अभी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है आपकी प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। सो जहां पर भी शब्द यूज हुआ होगा प्रोग्नोस्टिक, उसका मतलब होता है कि प्रिडिक्ट करना। आपको पहले से अनुमान लगाना है कि अगर आपने बच्चे को इस कोर्स में एडमिशन दी तो वो किस तरह से आगे जाकर परफॉर्म करेगा, कि हमें उस कोर्स के लिए सही बच्चे को एडमिशन देनी है। ठीक है, हमें वो सही बच्चा ढूंढना है जो उस कोर्स के लिए परफेक्ट हो। सो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए प्रोग्नोस्टिक टेस्ट लिए जाते हैं, जिससे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि बच्चा कितनी अच्छी तरह से उस पर्टिकुलर कोर्स में परफॉर्म करेगा। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। सेकंड आती है आपकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है उसका मतलब होता है कि डायग्नोज करना, हमें बच्चे की स्ट्रेंथ्स या फिर उसकी वीकनेसेस का पता लगाना, हमें टीचिंग के शुरू करने से पहले ही पता लगाना होता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाएँ। अगर बच्चा वीक है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है, ताकि हम उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सकें। डायग्नोस करने का मेन मोटिव यही होता है कि हमने रेमेडी प्रोवाइड करनी है, ताकि बच्चा आगे जाकर अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। और जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है उसको हम प्री टेस्ट भी कहते हैं। प्री इसलिए क्योंकि वो किसी भी कोर्स के शुरू होने से पहले ली जाती है, उसके बिगनिंग में ली जाने वाली असेसमेंट है ये, ताकि हम बच्चे के जो करंट नॉलेज है उसके बारे में पता लगा पाएँ, उसकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस के बारे में पता लगा पाएँ, और उसके अकॉर्डिंग ही टीचर प्लान कर पाए। ठीक है, सो ये थी प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब बात करते हैं जो प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट है उसके क्या यूजेस हैं, क्यों प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट ली जाती है। फर्स्ट पॉइंट है टेल्स प्रेजेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट एंड इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट, कि जो प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट है वो ये बताती है कि बच्चे का प्रेजेंट लेवल है क्या, वो आगे जाकर क्या करेगा। ठीक है, उसके फ्यूचर अचीवमेंट्स क्या होंगी, प्रिडिक्ट करती है प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स टीचर एज टू व्हाट एक्सटेंट अ स्टूडेंट कैन ड्राइव एडवांटेज फॉर फर्दर लर्निंग, ये टीचर को भी हेल्प करती है कि बच्चा फ्यूचर में जाकर किस तरह से काम करेगा, कि बच्चे को क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे फर्दर लर्निंग के। सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट के, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है टू फाइंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है उसका मेन यही कार्य है कि हम स्ट्रेंथ्स का पता लगा पाएं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में बेटर है, या फिर वो किस सब्जेक्ट में वीक है।
अगर हम उन स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस का पता लगा पाएं तो हम फिर रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है फाइंड कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। हम ये भी पता लगा पाते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट से कि क्या कॉज है, कहाँ से वो प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या रीज़न है। देन थर्ड पॉइंट है सोल्व प्रॉब्लम। अगर हमने कॉज का पता लगा लिया कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, हम उस तरह से रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से पढ़ा सकते हैं बच्चे को, हम अलग अलग तरह की टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड गाइडेंस। हम बच्चे को गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर वो लैग कर रहा है उसके रिगार्डिंग हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। उसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस पर हमारी थर्ड असेसमेंट आती है, जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और फोर्थ वन इज समेटिव असेसमेंट। पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑनगोइंग और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यूजुअली कैरिड आउट बाय द टीचर टू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। आपको ये याद रखना है कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में एक मेन डिफरेंस है, वो ये है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली ली जाती है ताकि टीचर बच्चे की परफॉर्मेंस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर सके। बट जो समेटिव असेसमेंट है, जैसे नाम है सम, सम मतलब एट द एंड, एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हो एट द एंड ऑफ क्लास और एंड ऑफ सेमेस्टर हम समेटिव असेसमेंट लेते हैं। जिस तरह से फाइनल एग्ज़ाम लिए जाते हैं उस तरह से समेटिव असेसमेंट ली जाती है ताकि हम बच्चे को सर्टिफाई कर सकें, उसको ग्रेड दे सकें या फिर रैंक दे सकें। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, ठीक है। अभी वापस आते हैं अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ डन बाई टीचर्स टू मॉडिफाई टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो टीचर्स के द्वारा ली जाती है, किस लिए, ताकि हम पता लगा सकें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और फिर हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी मॉडिफाई कर पाएँ, ठीक है, ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो सके। एंड इट इज़ अंडरटेकन बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ये फॉर्मली भी ली जा सकती है और इनफॉर्मली भी ली जा सकती है। फॉर्मली कैसे, जैसे रिटन टेस्ट होते हैं वो फॉर्मली होते हैं, और इनफॉर्मली मतलब कि ओरल टेस्ट के माध्यम से हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन भी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, कि कॉन्टीन्यूसली हर दिन टीचर ऑब्जर्व करता है, हर दिन टीचर टेस्ट लेता है, ओरल टेस्ट लिए जाते हैं ताकि हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूस असेसमेंट भी, ठीक है। अब आती है हमारी समेटिव असेसमेंट। सो समेटिव असेसमेंट रेफर्स टू द असेसमेंट ऑफ लर्निंग दैट डिटरमिन्स द स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, और द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, और इस पूरी क्लास में बच्चे ने कितना सीखा, उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई, यही मेन फोकस है समेटिव असेसमेंट का। एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग, सर्टिफाइंग, ग्रेडिंग और रैंकिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम। कि जो समेटिव असेसमेंट है उसका मेन फोकस होता है कि हमने बच्चे को सर्टिफाई करना है, उसको ग्रेड देने हैं, या फिर उसको एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना है, जिस तरह से हमारे एंड में एनुअल एग्जाम्स होते हैं उस तरह से, वो होती है हमारी समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप बच्चे को कॉन्टिन्यूसली असेस करते हो, और समेटिव असेसमेंट में आप एट द एंड ऑफ क्लास और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम लिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस आर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जो था बेस्ड ऑन पर्पस। अब चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, जो है बेस्ड ऑन स्कोप, कि ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप हम असेसमेंट को किन किन पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास टू पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज टीचर मेड टेस्ट, सेकेंड वन इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो इन दोनों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे टीचर मेड टेस्ट। जिस तरह से नाम बता रहा है, टीचर मेड यानी कि ऐसे टेस्ट जो टीचर्स बनाते हैं, जिन टेस्ट को टीचर्स ने डिज़ाइन किया गया होता है। जिस तरह से क्लासरूम में टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट लेते हो, ओरल फॉर्म में भी टेस्ट हो सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी आप
टेस्ट ले सकते हो बच्चे का। और टीचर मेड टेस्ट इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि हम पता लगा पाएं कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसका अचीवमेंट लेवल क्या है। ठीक है, आप जो सिखा रहे हो क्या वो सीख रहा है या फिर नहीं सीख रहा है, और साथ में जो हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या हमें अपने मेथड्स को चेंज करने की नीड है या फिर नहीं है। सो उस सब के लिए टीचर मेड टेस्ट जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। अब बात आती है सेकेंड टाइप के टेस्ट की, जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट रेफर्स टू अ टेस्ट दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एंड इज यूनिफॉर्मली गिवन टू ईच स्टूडेंट। ये इस तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, वो एक ही तरह के टेस्ट होते हैं। आप बात करें जिस तरह के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, आपके बोर्ड से पेपर आते हैं, सेम उसी तरह के पेपर हर बच्चे को मिलता है, हर स्कूल में सेम उसी तरह का पेपर मिलता है, उसको कहते हैं हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट। और वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, आपके जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो इन टेस्ट को क्रिएट नहीं करते हैं, इनको डिज़ाइन करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस तरह के टेस्ट बनाते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी हो। ठीक है, एक ही तरह के, अगर बच्चे सभी 10th क्लास में हैं तो उस ही तरह का सभी बच्चों को एक ही तरह का पेपर मिले, वो इसका मेन मोटिव है। एंड दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉमन टू मैनी स्कूल, यानी कि सेम तरह की टीचिंग है तो सेम ही तरह का टेस्ट हो। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसके बाद बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की, जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एट्रीब्यूट मेजर्ड। तो हमारे पास इसकी 3 पॉइंट्स हैं, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एटीट्यूड टेस्ट। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट की। सो अचीवमेंट टेस्ट उस तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने क्या अचीव किया, उसने कितना सीखा है और उसका लेवल क्या है अचीवमेंट का। ठीक है, और उसने किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना नॉलेज गेन किया है। और अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं बच्चे के नॉलेज के बारे में पता लगाने के लिए या फिर उसने क्या स्किल्स सीखी हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है एटीट्यूड टेस्ट की। सो एटीट्यूड होता है कि बच्चा किस तरह से सोचता है, वो किस तरह से फील करता है, वो किस तरह से बिहेव करता है। सो एटीट्यूड टेस्ट उसी तरह का टेस्ट होता है जिसमें से हम बच्चे के एटीट्यूड को मेज़र कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। सो एप्टीट्यूड होता है कि हर बच्चे की अपने अपने एबिलिटीज हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। सो उन्हीं इंटरेस्ट का, उन्हीं एबिलिटीज का पता लगाने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाने का पर्पज़ ये है कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि बच्चा आगे जाकर क्या करेगा और फिर उस ही के अकॉर्डिंग हम उसको सही शिक्षा प्रदान कर पाएँ। ठीक है, उसको वो इंस्ट्रक्शन दे पाएँ कि अगर आपकी ये एबिलिटी है, आपका ये इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को पढ़ाएँ। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एट्रीब्यूट मेजर, जिसमें हमने अचीवमेंट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात की। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड पर असेसमेंट को किन किन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सो जिसमें से फर्स्ट वन है क्वांटिटेटिव असेसमेंट एंड सेकंड पॉइंट है क्वालिटेटिव असेसमेंट। सो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, हमें नंबर्स देने हैं, और क्वालिटी मतलब कि हमें देखना है कि क्वालिटी क्या है, बच्चे में क्या क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है क्वांटिटेटिव असेसमेंट। सो क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल्स फोकस ऑन काउंटेबल वैल्यूज, यानी कि जिनको हम काउंट कर पाएँ। जैसे आप बच्चे को नंबर्स देते हो, 10 में से 8, 9 इस तरह के नंबर्स देते हो, तो वो होते हैं क्वांटिटेटिव असेसमेंट। एंड क्वांटिटेटिव टूल इज़ द मैथड बाय विच डाटा आर कैलकुलेटेड एंड कैन बी एनालाइज, दैट इज नंबर्स या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप नंबर्स देते हैं, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है वहाँ पर। एंड क्वान्टिटेटिव असेसमेंट डील्स विद नंबर्स, मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर्स दिए जाते हैं बच्चे को,
नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस मेथड इज नॉट फिजिबल टू असेस ऑल एरियाज ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मार्क्स दिए जाते हैं जो टेस्ट आप कंडक्ट करवाते हैं, उसमें ऑब्जर्व नहीं किया जाता, इसमें क्वालिटी पर फोकस नहीं किया जाता है। सो इसलिए आप बच्चे के हर एरियाज ऑफ पर्सनैलिटी को असेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव असेसमेंट। जबकि जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव असेसमेंट। सो जो क्वालिटेटिव असेसमेंट है दैट डील्स विद डिस्क्रिप्शन, ये इन डेप्थ नॉलेज के बारे में बात करती है, ये देखते हैं कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर एस्पेक्ट में बात की जाती है क्वालिटेटिव असेसमेंट में, कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हुई, इमोशनल डेवलपमेंट हुई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई या फिर नहीं, इन सभी के बारे में इसमें बात की जाती है क्वालिटेटिव असेसमेंट में। और जो डाटा होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, आप डेली देखते हो कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और इसको असेस भी किया जाता है। और जो असेसमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली होती है क्योंकि इसमें आपको मार्क्स नहीं देने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिस्पॉन्स, जिसमें फोर फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ओरल रिस्पॉन्स, देन रिटन रिस्पॉन्स, थर्ड वन इज सप्लायर रिस्पॉन्स एंड फोर्थ वन सिलेक्शन रिस्पॉन्स। सो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ओरल रिस्पॉन्स। ओरल क्वेश्चन जैसे आप पूछते हो कि टीचर आस्क क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आंसर्स इट ओरली, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है और बच्चे उसका ओरली आंसर देते हैं। एंड इट असेस एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस। ओरल रिस्पॉन्स से आप बच्चे के एक्सप्रेशन को भी असेस कर पाते हो, आप देख पाते हो कि बच्चा किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है और उसमें कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हुआ है, बच्चा कॉन्फिडेंट है आंसर दे दे इसमें या फिर नहीं है, आप इसका पता भी लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई रिलायबल। जो ये मेथड है वो हाई रिलायबल है, आप इस पर रिलाय कर सकते हो क्योंकि बच्चे इसमें कहीं से भी चीटिंग नहीं कर सकता है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है नो स्कोप ऑफ पार्शियलिटी। टीचर किसी भी बच्चे से पार्शियलिटी नहीं कर सकता है क्योंकि सभी बच्चे उसके सामने आंसर दे रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम सेविंग। ये टाइम सेविंग मेथड भी है क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप क्वेश्चन पूछोगे और बच्चा वहाँ से आंसर दे देगा, तो ये टाइम सेविंग मेथड है। और इससे आप बच्चे के नॉलेज को और अंडरस्टैंडिंग को भी असेस कर सकते हो और ये आप कंटिन्यूसली कर सकते हो। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ाया है तो उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, जो है रिटन रिस्पॉन्स। सो रिटन मतलब कि इसमें पेन और पेपर का यूज़ होगा, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट ये इजी होता है कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। आपने बच्चे को बोल दिया कि कल आपका टेस्ट होगा तो आप उस तरह से टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हो, बट ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, आपको पूरी क्लास लग जाती है किसी एक टेस्ट को कंडक्ट करवाने में। अगर आपने 10 या 15 मार्क्स का भी टेस्ट देना होता है तो उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। बट इट इज़ अ टेक्निक टू असेस स्टूडेंट्स नॉलेज स्किल्स और एबिलिटीज। बट जो टेस्ट होते हैं, जो रिटन टेस्ट होते हैं, उसके माध्यम से भी आप बच्चे के नॉलेज को असेस कर पाते हो, उसके एबिलिटीज़ और उसके स्किल्स के बारे में पता लगा सकते हो। थर्ड वन इज सप्लायर रिस्पॉन्स। सो सप्लायर टाइप आइटम्स रिक्वायर स्टूडेंट टू प्रोड्यूस द आंसर इन एनी वेयर फ्रॉम अ सिंगल वर्ड टू अ सेवरल पेज रिस्पॉन्स। सप्लायर रिस्पॉन्स उस तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, और बच्चा उसका आंसर देगा। वो आंसर सिंगल वर्ड में भी हो सकता है या फिर उसमें बहुत सारे पेजेस, आप बात करो ऐसे टाइप आंसर्स भी हो सकते हैं। एंड दे आर टिपिकल ब्रोकन इनटू थ्री कैटेगरीज हैं इसकी, या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे हो सकते हैं, फिर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे भी हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि आपने क्वेश्चन दिया है उसमें आपने लिखना है कि सिर्फ 200 वर्ड्स ही हों, और एक्सटेंडेड मतलब कि आप लिख सकते हो उसको और भी ज़्यादा वर्ड्स में, ठीक है। दिस इज सप्लायर रिस्पॉन्स। देन बात आती है सिलेक्शन रिस्पॉन्स, जहाँ पर आपने सिलेक्ट करना होता है, जैसे MCQs होते हैं, मैचिंग होते हैं, फिर ट्रू और फॉल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है, आपके पास आंसर्स होते हैं उनमें से आपको एक अप्रोप्रिएट जो आंसर है उसका वो चूज़ करना होता है, ठीक है। सो सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स आर दोज इन विच स्टूडेंट रीड अ क्वेश्चन एंड आर प्रेजेंटेड विद अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम विच दे चूज द बेस्ट आंसर। आपने बच्चे को क्वेश्चन दिया, बच्चे ने आंसर रीड किया और फिर उसके पास कुछ आंसर्स पहले से ही होंगे,
और फिर बच्चे ने एक बेस्ट आंसर उसमें चूज करना है, जैसे हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, या फिर मैचिंग होगी, ट्रू फॉल्स होगी। तो यहाँ पर हमने बात की बेस्ड ऑन मोड ऑफ रिस्पॉन्स पे चार टाइप्स की। ओरल रिस्पॉन्स था हमारा, जिसमें ओरली रिस्पॉन्स किया जाता है, रिटन रिस्पॉन्स में लिखकर रिस्पॉन्स कहते हैं, और सप्लाई रिस्पॉन्स होता है जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखे जाते हैं, फिर वन वर्ड भी वो हो सकता है। देन सिलेक्शन रिस्पॉन्स में आंसर्स दिए गए होते हैं और उनमें से एक आंसर, बेस्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना होता है बच्चे को। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो है नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसमें हमारे पास टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड सेकेंड वन इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, पहले बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस की, उसके बाद बात करेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस की। सो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस जो होती है एक बच्चे की, उसको कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चों के साथ। जैसे बात की जाती है मेरिट की, ठीक है, जैसे टॉप 10 बच्चे ही हमने मेरिट में सेलेक्ट करने हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है कि सबसे टॉप पर कौन है, टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन है, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। सो एक बच्चे की परफॉर्मेंस को किसी दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। जबकि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हैं उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को किसी सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है कि हमने जो एक स्टैंडर्ड रखा है, क्या बच्चे ने वहाँ तक वो पहुँचा या फिर नहीं पहुँचा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 10th बोर्ड क्लास होती है हमारी, उसमें एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि 33% मार्क्स आने चाहिए। अगर बच्चे ने 33% से अबव ले लिए तो वो पास हो जाता है। सो दिस इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बात की जाती है मेरिट की, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है इट गिव्स पोजिशन अमंग ग्रुप और क्लास। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं उसमें हम बच्चे को पोजिशन देते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, क्योंकि मेरिट होते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक्स आते हैं। जबकि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं उसमें ये बात आती है कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है परसेंटाइल रैंक गिवन। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं उसके रिजल्ट के बाद परसेंटाइल रैंक दिए जाते हैं, जबकि जो क्राइटेरियन रेफरेंस है उसमें परसेंटेज दी जाती है बच्चों को। देन नेक्स्ट पॉइंट है जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है वो ओल्ड ट्रेंड है, जबकि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट डिफरेंस इज जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है वो फाइनल जजमेंट देते हैं कि एट द एंड जजमेंट दी जाती है कि बच्चे ने ऐसा परफॉर्म किया। एंड जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है उसमें हम रेमेडी भी दे सकते हैं, अगर बच्चा अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उसको रेमेडी देते हैं कि वो अच्छी तरह से आगे जाकर परफॉर्म कर सके। एंड द लास्ट डिफरेंस इज जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है उससे किसी दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस पर अफेक्ट होता है। जैसे मेरिट में तो 10 बच्चे आ गए, जो 11th बच्चा था वो तो मेरिट में आ नहीं सका, तो उसके परफॉर्मेंस पर अफेक्ट हुआ। जबकि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है उससे किसी दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी बच्चों ने 33% अगर ला लिए तो सभी पास हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर कोई मेरिट नहीं बनेगी। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के लास्ट टाइप के, जो हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट। इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल असेसमेंट या फिर इंटरनल असेसमेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नल असेसमेंट, इट असेस अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट। जो एक्सटर्नल असेसमेंट है वो बच्चों के अचीवमेंट लेवल को असेस करती है, जबकि जो इंटरनल असेसमेंट है वो बच्चे की इम्प्रूवमेंट को भी असेस करती है कि बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इवैल्यूएशन टूल्स आर क्वेश्चन पेपर्स। जो एक्सटर्नल असेसमेंट होती है उसमें इवैल्यूएशन किसके थ्रू होती है, क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके फाइनल एग्जाम के वो आपके टीचर्स नहीं बनाते, वो एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू आते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट। एंड जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें इवेल्युएशन टूल्स होते हैं रेटिंग स्केल्स या फिर इन्वेंट्रीज। थर्ड डिफरेंस है जो एक्सटर्नल असेसमेंट है वो एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू ली जाती है, यानी कि जो आपको टीच नहीं करते हैं, जबकि जो इंटरनल असेसमेंट है वो इंटरनल एजेंसीज के थ्रू ली जाती हैं जो आपको टीच करते हैं। और जो एक्सटर्नल असेसमेंट है उसमें क्या क्या हो सकता है, रिटन एग्जाम्स हो सकते हैं, जैसे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं। जबकि जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, ऑब्जर्वेशन करते हैं टीचर, या फिर ओरल या फिर रिटन एग्जाम्स भी टीचर लेते हैं।
सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट. सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगा है. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.